सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। तो हम बात कर रहे हैं कि अब हम अपना यूनिट सेकंड शुरू कर रहे हैं, दैट इज फ्रेम एंड बॉडी। तो लेआउट ऑफ चेचेस, टाइप्स ऑफ चेचेस, फ्रेम्स एंड बॉडीज, ठीक है। आपका जो जनरल लेआउट है किसी भी ऑटोमोबाइल का, वो बेसिकली तीन चार चीजों से मिलकर बना हुआ है। यदि हम बात करें तो जो मेन कंपोनेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, सबसे पहला होगा बेसिक स्ट्रक्चर, पावर यूनिट जिससे कि हमको पावर मिलेगी। उसके अलावा होगा आपके पास ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम शुरू होता है आपका इंजन से, तो इंजन से जैसे ही आपकी पावर डेवलप होती है उसको लेके व्हील्स तक पहुंचाने को हम लोग पावर ट्रांसमिशन का पार्ट देते हैं। देन नेक्स्ट वन इज अवर ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज क्या करती हैं, ये वो चीजें हैं जो कि गाड़ी की परफॉर्मेंस को एनहांस करती हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता कि गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी। यदि ऑक्सिलरीज हटा दी जाए तो भी गाड़ी चलेगी, अपने सारे फंक्शंस करेगी, लेकिन उसमें बहुत सारी आपको चीजें नहीं मिल पाएंगी, यानी आपको बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो हम बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए, कंफर्ट को बढ़ाने के लिए, अपने ड्राइविंग को ईजी बनाने के लिए हम लोग कई तरीके की एसेसरीज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग हेडलैम्प लगाते हैं। लाइट लगाने से ऐसा नहीं गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन लाइट लगाने से क्या होगा, आप लोग आगे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने मान लीजिए आपने लाइटिंग लगाई हुई है, अंदर लाइट लगाई हुई है, आपने रेडियो लगाया हुआ है, तो ये सारी चीजें आपकी एसेसरीज के अंदर में आती हैं जो कि ऑप्शनल होती हैं। आप जब कार खरीदते हैं तो भी वो कहते हैं कि एसेसरीज अलग से मिलती है, क्योंकि वो रेट को इंक्रीज करती हैं और कोई कंपनी नहीं चाहती कि वो रेट्स को हाई बताएं, तो इसीलिए वो एसेसरीज को सेपरेट रखती हैं। जिनको जो लगवानी है वो एसेसरीज लगवा सकते हैं, ओके। देन व्हाट वी हैव, कंट्रोल्स। कंट्रोल्स का मतलब वो है कि हम गाड़ी को चलाते वक्त उस गाड़ी को कैसे कंट्रोल करें। तो कंट्रोल का मतलब एक तो हो गया आपका पास डायरेक्शनल कंट्रोल। डायरेक्शनल कंट्रोल का मतलब है कि आप गाड़ी को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सके, उसके लिए आपको कंट्रोल करना है। बेसिकली आप स्टीयरिंग यूज करते हैं। सेकंड जो इस कंट्रोल है वो आपके पास है गियर, जिससे कि आप स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। और थर्ड जो कंट्रोल है वो है आपके पास ब्रेकिंग सिस्टम, जिससे कि आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रेक सिर्फ गाड़ी को रोकने के काम आता है, बट इट्स नॉट ट्रू। इसको हम सिर्फ आधी बात बता रहे हैं, गाड़ी को रोकने प्लस गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने के काम आता है। तो दोनों फंक्शंस आपका ब्रेक लगाता है, तो ये कंट्रोल्स के क्लासिफिकेशन में आता है। एंड देन वन इज सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर वो होता है जो बॉडी को पूरा कवर करता है और आपको प्रोटेक्ट करता है रेन से या फिर सनलाइट से, तो दैट इज सुपर स्ट्रक्चर। इसी एक गाड़ी का अलग अलग सुपर स्ट्रक्चर हो सकता है, बेसिक फ्रेम सेम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप मान लीजिए बड़े व्हीकल्स की बात करें, टाटा 407 की बात करें या कोई सा भी ऐसा बड़ा व्हीकल लें, ट्रक लें, तो उनका आपने देखा होगा जब फैक्ट्री से आपके पास चेचेज आता है तो वो सिंपल एक ओपन चेचेज होता है, उसके ऊपर कोई बॉडी नहीं होती है, कोई सुपर स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो क्या बनने वाला है। हो सकता है उससे कोई लग्जेरियस बस बनाने वाला हो तो उसका सुपर स्ट्रक्चर उस हिसाब से बिल्ड होता है, यदि उसमें ट्रक बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर उस हिसाब से बिल्ड होता है, मिल्क का कंटेनर ऑयल का कंटेनर बनाना है तो उस हिसाब से सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, ओके, सो इट वेरीज। अब हम देख रहे हैं कि हमारा पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है, और इसमें हम जो बात कर रहे हैं सबसे पहले वो बात कर रहे हैं फोर व्हील ड्राइव की। फोर व्हील ड्राइव का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। फोर व्हील ड्राइव का मतलब है कि जो पावर आती है वो चारों व्हील को बराबर मिलती है। चारों व्हील मतलब आगे के दो पीछे के दो। इससे फायदा क्या होता है कि हमारे पास चारों व्हील पर इक्वल पावर ट्रांसमिट होने से हमारी जो गाड़ी की ट्रैक्शन पावर है, यानी कि जो वो गाड़ी को आगे की तरफ लेके जा रही है, वो काफी यूनिफॉर्म हो जाती है, चारों तरफ बराबर अपना लोड लग रहा है। और क्रॉस कंट्रीज होती है, क्रॉस कंट्रीज मतलब रोड के अलावा भी गाड़ी चलती है, लाइक डेजर्ट्स में चलती है, कच्चे रास्ते में चलती है, कीचड़ में चलती है, और जंगलों में भी चल सकती है। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं उसमें हमें बहुत बार जरूरत पड़ती है कि हमारे चारों व्हील्स को ड्राइव बराबर मिलती रहे, जिससे कि हमारा इजीली गाड़ी स्मूथली चलती रहे। फोर व्हील ड्राइव का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, तो आप देख रहे हैं आपके सामने फोर व्हील्स आपको नजर आ रहे हैं, फ्रंट टू और रेयर टू। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि सर आपको कैसे पता लगा फ्रंट कौन सा है, तो आप देख सकते हैं इंजन माउंटिंग आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। और फोर व्हील ड्राइव में खास बात ये होती है कि यहाँ पर एक डिफरेंशियल लग रहा है, ये क्या काम करता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिफरेंशियल है ये दोनों तरफ लगा हुआ है, फोर व्हील ड्राइव में दोनों साइड में डिफरेंशियल आपका लगा हुआ है, आगे भी पीछे भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंजन लगा हुआ है, इंजन से आपके पास आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये बेसिकली क्लच असेंबली है। जस्ट इंजन के बाद में आपको क्लच लगा हुआ है। क्लच क्या काम करेगा, आपका पावर को एंगेज और डिसएंगेज करेगा, डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लच के वर्किंग में।
क्लच के बाद हमारे पास यहाँ पर क्लच शाफ्ट लगी हुई है, देन यहाँ पर हमारे पास गियर बॉक्स लगा हुआ है। अगेन हमने कहा है कि कई तरह के गियर बॉक्स आते हैं, पर फिलहाल के लिए हम ये मान लें यहाँ पर किसी भी एक तरीके का गियर बॉक्स लगा हुआ है जो कि स्पीड को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से गियर बॉक्स से हम स्पीड को वेरी करेंगे कि हमारे को गाड़ी को किस स्पीड में चलाना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर बॉक्स लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर बॉक्स। ट्रांसफर बॉक्स सिर्फ फोर व्हील ड्राइव में होता है, रिमेंबर दिस, इट इज नॉट इन टू व्हील ड्राइव। ट्रांसफर बॉक्स बेसिकली क्या करता है कि ये जो आपके पास पावर आ रही है आगे से गियर बॉक्स है, इसको दो भागों में ट्रांसफर करता है, एक फ्रंट के लिए और एक रियर के लिए। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसफर बॉक्स। जब ट्रांसफर बॉक्स आपका लगा होता है, उसके बाद आपके पास दो तरफ में व्हील में आपके पास पावर चली जाती है, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। ये जिस चीज से जा रही है, दिस इज कॉल्ड प्रोपेलर शाफ्ट, जो आपको दिख रही है ट्रांसफर बॉक्स के आगे की तरफ जा रही है या पीछे की तरफ जा रही है, ये कहलाती है प्रोपेलर शाफ्ट। और ये प्रोपेलर शाफ्ट जाती है आपकी डिफरेंशियल में, और डिफरेंशियल से जाती है एक्सेल के अंदर में। तो एक्सेल का काम क्या होता है, आपके जो व्हील है और जो टायर है इनको रोटेट करना। व्हील और टायर में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, समबडी से इसकी कई बार टायर बोल देते हैं व्हील को, और व्हील को टायर को व्हील बोल देते हैं। तो जो अंदर का मेटेरिक पोर्शन है हम लोग इसको व्हील बोलते हैं, और जो रबर पोर्शन है उसको हम टायर बोलते हैं। तो हम लोग कई बार बोलते हैं अलॉय व्हील, तो आपको ध्यान रखना है आगे, ध्यान यदि भूल भी जाए तो आप लोग इससे याद कर सकते हैं, अलॉय व्हील बोल रहे हैं। इसका मतलब जो मेटल पार्ट है, जो स्टील की जगह अलॉय का बना हुआ है, उसको हम अलॉय व्हील बोलते हैं। तो अंदर का पार्ट को हमेशा व्हील बोलते हैं और बाहर के पार्ट को हम हमेशा टायर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब टायर पे आपके पास स्पीड आ जाती है या रोटेशन आ जाता है, तो हमारे पास पूरा का पूरा क्या होता है, ड्राइविंग कंप्लीट होती है। तो ये लेआउट है कंप्लीट फोर व्हील ड्राइव का, ओके। यहाँ पर अब आप इसका साइड व्यू देख सकते हैं। सो वापस से हम शुरू करते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रंट एक्सेल। यहाँ पर आपके पास इंजन लगा हुआ है फर्स्ट, उसके बाद फ्लाईव्हील लगा हुआ है, ये मैंने स्किप कर दिया था। फ्लाईव्हील बेसिकली इंजन का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। तो फ्लाईव्हील क्या करता है, ये एक तरह से आपकी जो एनर्जी है उसको स्टोर करके रखता है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि जब इंजन चलता है तो वो हर स्ट्रोक में अपनी पावर डेवलप नहीं करता है, ठीक है। चार स्ट्रोक आपने शायद पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, तो उसमें से सिर्फ ये क्या करता है, फोर स्ट्रोक इंजन एक ही स्ट्रोक में पावर डेवलप करता है, बाकी के तीन आइडल स्ट्रोक कहलाते हैं। तो जब वो पावर जनरेट करता है, उस टाइम में वो इतनी ज्यादा पावर जनरेट करता है कि वो उतने व्हीकल को नहीं चाहिए होती है। तो हमें चाहिए कि जब तीन स्ट्रोक जब आइडल स्ट्रोक है, उस समय भी गाड़ी चलती रहे, रुके नहीं। तो हम जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है आपकी पावर स्ट्रोक की, उसको हम क्या करते हैं, कंजर्व कर लेते हैं और एक हैवी फ्लाईव्हील लगा देते हैं। तो बेसिकली ये मोमेंटम के रूप में आपके एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और ये हैवी बनाते हैं जिससे कि जितनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी है वो उसके अंदर स्टोर हो सके। और जैसे ही आपके पास पावर स्ट्रोक खत्म होता है, तो तीन आइडल साइकिल में भी ये गाड़ी को मोशन में रखता है, और उसके बाद वापस से रिपीट होती है साइकिल और वापस से पावर जनरेट होती है, तो ये वापस से तेज घूमता है। तो यही काम फ्लाईव्हील का होता है। देन उसके बाद हमने देखा यहाँ पर क्लच है, देन वी हैव गियर बॉक्स। गियर बॉक्स के बाद हमने बात करी ट्रांसफर बॉक्स की। ट्रांसफर बॉक्स आपको मैंने बताया दोनों तरफ आपकी ट्रांसफर करता है एनर्जी को, फ्रंट में भी और रेयर में भी। उसके बाद आपके पास यहाँ पर लगी हुई है प्रोपेलर शाफ्ट, तो फोर व्हील ड्राइव में दो प्रोपेलर शाफ्ट होती हैं, दो ही उसके अंदर में डिफरेंशियल बॉक्सेस होते हैं, तो आगे और पीछे डिफरेंशियल बॉक्स लगा हुआ है। देन वी हैव एक्सेल्स, तो जो आगे लगी है उसको हम फ्रंट एक्सेल बोलते हैं, जो पीछे लग रही है उसको हम रेयर एक्सेल बोलते हैं, और यहाँ पर हमारे पास व्हील एंड टायर्स लगे हुए हैं। सो दिस इज द अरेंजमेंट, ओके। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, ये आप कुछ एनिमेशन देख सकते हैं इसके अंदर में कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। आई विल शेयर दीज एनिमेशन विथ यू इन क्लास, तो आप उसको भी बाद में देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं फोर व्हील ड्राइव गाड़ियां कौन सी होती हैं। आपने देखा होगा आप गाड़ी कई बार चलाते हैं रोड पे, तो सामने वाली गाड़ी के ऊपर कई बार 4x4 लिखा हुआ रहता है। व्हाट डज इट मीन, इट इज फोर व्हील ड्राइव, यानी कि चारों व्हील पे आपको ड्राइव मिल रही है। तो जहां पर भी आपको 4x4 लिखा हुआ दिखे या फोर व्हील ड्राइव लिखा हुआ दिखे, तो समझ जाइए कि उसके अंदर में ये अरेंजमेंट है जो अभी हमने देखा है, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी अभी हमने शुरुआत करते वक्त कहा था कि फोर व्हील ड्राइव्स आर जनरली यूज फॉर ऑफ रोड व्हीकल्स, लाइक हम लोग बात करें डेजर्ट की, मड की, या फिर रेगिस्तान की, या फिर हम हिल एरियाज की, इस तरह की जहां पर भी बात होती है वहां हमें फोर व्हील ड्राइव चाहिए। लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ नुकसान भी हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है कि जब हम चारों व्हील्स को ड्राइव देते हैं तो हमारी कई तरह के मैकेनिकल लॉसेस बढ़ जाते हैं।
ट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो उससे हमारी फ्यूल माइलेज कम हो जाती है। तो इस वजह से हमारी गाड़ी जो कह सकते हैं कि आपको इफिशियंसी मिलनी चाहिए, गाड़ी का जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो उतना अच्छा नहीं मिल पाता है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल इकोनॉमी। पावर की रेंज में बात नहीं कर रहे हम, फ्यूल इकोनॉमी आपकी डाउन हो जाती है। तो उसके लिए क्या करें हम, जब हम नॉर्मल यदि एसयूवी चला रहे हैं या फोर व्हील ड्राइव को हम नॉर्मल रोड पे चला रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ से अजमेर से या दिल्ली जा रहे हैं, हम जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हम फोर व्हील ड्राइव की हमें उस समय जरूरत नहीं है, तो हम चाहें तो इसको हम टू व्हील ड्राइव पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, वी हैव वन लीवर, जहां पर आपने देखा होगा ड्राइवर सीट होती है उसकी लेफ्ट साइड के अंदर में आपने देखा है, वहां पर हम गियर बॉक्स यूज करते हैं, गियर आपके पास लीवर रहता है जहां पर आप गियर चेंज करते हैं, 1 2 3 4 या रिवर्स लगाते हैं, उसी के पास में छोटा सा गियर और होता है, वहां पर लिखा रहता है टू व्हील ड्राइव फोर व्हील ड्राइव। तो क्या होता है, जब ड्राइवर यदि उसको नॉर्मल रोड पे चला रहा है तो वो चाहे तो वो उसको नॉर्मल कंडीशन के लिए टू व्हील ड्राइव पे शिफ्ट कर सकता है। तो होगा ये कि मैं आपको वापस एक बार डायग्राम में बता देता हूँ कि जो आपने ट्रांसफर बॉक्स देखा था ये वाला, इस ट्रांसफर बॉक्स में वो बेसिकली आपका लीवर काम करता है और वो क्या करता है, एक व्हील को डिसंगेज कर देता है। हम जब व्हीकल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम दोनों तरह से व्हीकल को चलाते हैं, फ्रंट व्हील भी चलाते हैं, हम रेयर व्हील भी चलाते हैं, एक में पुल टाइप व्हीकल होता है, एक में पुश टाइप व्हीकल होता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि हम लोग कौन सी ड्राइव को एंगेज रखते हैं, पर फिर भी कोई सी भी हम दो टायर्स को ही ड्राइव देते हैं, उसको हम क्या करते हैं फोर व्हील ड्राइव से टू व्हील ड्राइव में कन्वर्ट कर देते हैं। और ज्यादातर आप देखेंगे मिलिट्री व्हीकल्स फोर व्हील ड्राइव होते हैं क्योंकि उनके ज्यादातर कंडीशंस ऑफ रोड्स होती हैं, तो उनके ज्यादातर व्हीकल्स के अंदर में भले ही आप जिप्सी की बात करें, भले ही आप उनके बुलेरो की बात करें, या फिर उनके पास जो हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, ये सारी चीजें उनके पास फोर व्हील ड्राइव में ही आती हैं क्योंकि उनको ज्यादातर 80% केसेस में ऑफ रोड ही काम करना पड़ता है, लेकिन जब वो ऑन रोड अपना व्हीकल चलाते हैं तो वो उसको टू व्हील ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल टाटा फॉर्च्यूनर आप देख सकते हैं, टाटा सफारी आपने देखी है, ये सब गाड़ी फोर व्हील ड्राइव है, ठीक है। लेकिन जो छोटी गाड़ियां हैं ये टू व्हील ड्राइव है, और टू व्हील ड्राइव केसेस जो होती हैं उनके अंदर में हम लोग ट्रांसफर केस नहीं देते हैं, ट्रांसफर बॉक्स नहीं लगा होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सिंगल लाइव एक्सेल होता है। सिंगल लाइव एक्सेल को समझ लीजिए क्या मतलब है, कि लाइव एक्सेल वो होता है जो कि घूम रहा है लगातार, आपके पास पावर ट्रांसमिशन हो रही है ट्रांसमिशन लाइन से, और वो खुद एक्सेल घूम रही है और उससे व्हील घूम रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लाइव एक्सेल। यदि हम बात करें टू व्हील ड्राइव की, तो इसमें आप देखेंगे कि एक तो लाइव एक्सेल है, यानी रेयर वाली तो आपके पास लाइव एक्सेल है, लेकिन फ्रंट वाली जो है इन गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में, वो इंडिपेंडेंट एक्सेल है, मतलब दोनों के बीच में कोई ऐसा एक एक्सेल नहीं लगा हुआ है दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों टायर्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें एक्सेल के अंदर में। तो ये छोटी गाड़ियां, इसमें टू व्हील ड्राइव आता है, तो इसमें एक ही हम लाइव एक्सेल रखेंगे। अब हम बात करते हैं टू व्हील ड्राइव के लेआउट्स की, तो अब वापस से वही सारी चीजें हैं, लेकिन क्या मिसिंग है आप देखिए ध्यान से, फ्रंट एक्सेल वहीं पर है, इंजन है, देन फ्लाईव्हील है, क्लच है, फिर ट्रांसमिशन गियर बॉक्स है, ठीक है। याद रखिए ये ट्रांसमिशन गियर बॉक्स है, ये ट्रांसफर बॉक्स नहीं है, ट्रांसफर गियर बॉक्स नहीं है, ट्रांसफर गियर बॉक्स ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के बाद में लगा हुआ था वहां पे, वो यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पर सीधे ही हम गियर बॉक्स है आपका, उससे हम सीधे ही एक ही प्रोपेलर शाफ्ट लगा के पूरी की पूरी एनर्जी रेयर व्हील को दे देते हैं, रेयर एक्सेल को दे देते हैं, ठीक है। और हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पर यूनिवर्सल जॉइंट्स भी होते हैं, वो हम क्या काम आते हैं हम लोग जब ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे उसमें डिटेल में देखेंगे। देन प्रोपेलर शाफ्ट से हम सीधे चले जाते हैं डिफरेंशियल पे, और डिफरेंशियल के दो काम होते हैं, हम लोग शॉर्ट में भी बता देते हैं। एक तो होता है कि अपनी जो एनर्जी है, जो टॉर्क आ रहा है, उसको 90 डिग्री पे ट्रांसमिट करना। आप सोचिए कि जब आपके पास प्रोपेलर शाफ्ट घूम रही है, वो आपके पास क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉक घूम रही है, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में जो एक्सेल है वो 90 डिग्री पे रोटेट हो रही है, तो इसको यहां से इसके ट्रांसफर को, इसकी एनर्जी को 90 डिग्री पे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल को यूज कर रहे हैं। और दूसरा डिफरेंशियल का काम है कि जब भी टर्न्स होते हैं तो उसमें हम लोग दोनों टायर्स पे अलग अलग आरपीएम लेना चाहते हैं, क्योंकि अंदर का टायर आपके पास कम घूमता है, बाहर का जो आउटर रेडियाई का टायर है वो आपके पास ज्यादा घूमता है, तो आपको चाहिए कि बाहर वाले टायर के आरपीएम बढ़ा दें, जिससे सेम टाइम में वो एक जगह को ट्रेवल कर पाए। एक मान लीजिए आप सर्कल पर ट्रेवल कर रहे हैं, तो सर्कल का इनर रेडियस आपके पास छोटा होगा, आउटर रेडियस बड़ा होगा। यदि व्हीकल लगातार घूम रहा है तो आप सोचिए अंदर वाले व्हील को कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, बाहर वाले व्हील को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है इन द सेम टाइम, और वही चीज करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल लगाते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे
इन कमिंग अप डेज। ओके, सो ये आपके पास रेयर व्हील का लेआउट है। ओके, तो एक ही लाइव एक्सेल होता है टू व्हील ड्राइव के अंदर में, और फ्रंट एक्सेल को हम इस केस में डेड एक्सेल बोलते हैं। डेड एक्सेल मतलब वो घूमता नहीं है, दोनों क्या होते हैं जो व्हील है वो इंडिपेंडेंटली रन करते हैं, अपने आप से घूमते हैं। अब हम बात करते हैं कि बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं ऑटोमोबाइल के वो कौन कौन से हैं। ओके, तो सिक्स कंपोनेंट है, कौन कौन से हैं? बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया, पावर यूनिट हमने देख लिया, ट्रांसमिशन यूनिट देख लिया, ऑक्सिलरीज, कंट्रोल्स एंड सुपर स्ट्रक्चर, ये सिक्स हैं। अब ध्यान से बात सुनिएगा कि ये जो फर्स्ट फाइव हैं, यानी सुपर स्ट्रक्चर को भूल जाइए, स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है गाड़ी का, और उसको अलग कर दीजिए। जैसे मान लीजिए, ये मान के चलिए कि आपने हाईवे पे कई बार ट्रक्स देखे होंगे, और वो ट्रक्स जब चलते हैं तो उनमें सिर्फ चेचेज होता है और ड्राइवर बैठा होता है, वो गाड़ी चला रहा होता है, उसमें वो सारी चीजें लगी होती हैं जो कि एक बेसिक गाड़ी को चाहिए होती हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि यदि कोई एक ट्रक का चेचेज निकला है, इट डिपेंड्स कि उसकी यूटिलिटी क्या है, उसी हिसाब से उसका सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन होगा। इसीलिए हम सुपर स्ट्रक्चर को चेचेज में नहीं गिनते हैं, तो चेचेज अलग कर दीजिए। तो चेचेज में आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट हो गए? सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा आपके पास पावर यूनिट होना बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर के ऊपर पावर यूनिट लगा होगा, उस पावर यूनिट को रेयर व्हील तक पहुंचाने के लिए आपके पास ट्रांसमिशन चाहिए, आपके पास ऑक्सिलरीज चाहिए जो जो आपने उसके साथ में अटैच करी है, ठीक है, और देन वी नीड कंट्रोल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें, एक कहीं कंफ्यूजन आप लोग ऑक्सिलरी और एसेसरीज में मत करिएगा प्लीज। व्हाट आई सेड अर्लियर, हमने जब किया था हमने एसेसरीज की बात की थी, ऑक्सिलरीज आर मैंडेटरी विच इज रिक्वायर्ड इन योर ऑटोमोबाइल चेचेज। Is that clear to all of you? So these five things must be there on a chassis. Is that clear? तो हमने बात करी कि ये ऑटोमोबाइल चेचेज है, इन पांच चीजों को सुपर स्ट्रक्चर को अलग कर देते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपके सामने जो आप देख पा रहे हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी ऑटोमोबाइल का, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट मी रीड आउट। बेसिक स्ट्रक्चर इज द यूनिट ऑन विच ऑल अदर ऑटोमोबाइल यूनिट्स लाइक इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम एटसेट्रा आर अटैच्ड। मतलब क्या हो गया, आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर में बाकी चीजें रेस्ट कर सके, बाकी चीजें लगाई जा सके, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा और वो बहुत मजबूत होना चाहिए, और उसके लिए हर चीज के लिए उसके अंदर जगह होनी चाहिए कि आप कहाँ इंजन को रखेंगे, कहाँ से कहाँ तक आपकी ट्रांसमिशन सिस्टम जाएगा। ये सारी चीजें जब आप देखेंगे तो वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर में आपको फ्रेम भी दिखाया है। यदि हम कार्स की बात करें, देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, कार और ट्रक में डिफरेंस है। कार जब होती है, कार में हम जो फ्रेम होता है बॉडी का ऊपर का, वो हम उसके साथ इनबिल्ट बनाते हैं। किसके साथ? चेचिस के साथ, नीचे वाले चेचिस के साथ हम फ्रेम को इनबिल्ट बनाते हैं, वो एक ही यूनिट होती है। तो आप यहाँ पर एक देख रहे हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है बीएमडब्ल्यू का। तो इसके अंदर में जो आपके पास चेचिस है प्लस जो बॉडी का फ्रेम है वो एक साथ वन पीस में तैयार होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास ओनली फॉर कार सेगमेंट और स्मॉल व्हीकल सेगमेंट। ये एक ही बॉडी, आपके पास जो फ्रेम होता है वो प्लस चेचिज आपका एक ही फॉर्म में बनता है। लेकिन ट्रक्स होते हैं उसके अंदर हम बॉडी अलग से लगाते हैं, उसका फ्रेम अलग से बना करके हम उसके ऊपर लगाते हैं, उसमें हम लोग उसको अलग अलग तैयार करते हैं। तो अभी जब हम बात कर रहे थे कार्स की, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि जो फ्रेम है कार का प्लस जो चेचिज है वो एक ही साथ में बिल्ट होता है, और ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ये पूरा वेल्ड होकर के तैयार हो रहा है BMW का। anyway, तो आपने देखा यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, फ्रेम है जो हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, देन हमारे पास सस्पेंशन सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम उस गाड़ी में जो हम लोगों को जो भी शॉक से बचाएगा, रोड शॉक्स आएंगे उनसे बचाएगा, उसके लिए सस्पेंशन सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं। कार के लिए ये कॉइल स्प्रिंग है और शॉक एब्जॉर्बर्स हम यूज कर सकते हैं। देन थर्ड इज एक्सेल, जो फ्रंट एक्सेल है रेयर एक्सेल है वो दोनों एक्सेल भी आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, एंड व्हील्स ये भी आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये सारी चीजें मिलाकर के आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। तो अब ये क्या क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेम्स की। फ्रेम क्या होता है बेसिकली, यू कैन सी दिस, कोई भी व्हीकल है आपके पास उसके अंदर में जो फ्रेम है वो क्या करता है, सभी चीजों को सपोर्ट करता है प्लस उसकी ज्योमेट्री को मेंटेन रखता है, ठीक है। और इसके ऊपर में पूरा लोड आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि फ्रेम जो है आपका वो दो तरीके से हो सकता है। फ्रेम कैन बी ऑफ टू टाइप, वन इज कन्वेंशनल, वन इज फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन। फ्रेमलेस मतलब
जिसमें फ्रेम नहीं हो वो एक इंटीग्रल पार्ट हो, और जिसमें हम अलग से फ्रेम बनाते हैं वो हम कन्वेंशनल यानी पुराने टाइप का जो कन्वेंशनल पहले गाड़ियां बनती आ रही थी उसमें फ्रेम अलग से बनाया जाता था, और फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन उसमें फ्रेम अलग से नहीं बना करके उसी चेचिस का इंटीग्रल पार्ट होता है, दैट इज फ्रेमलेस। तो कन्वेंशनल में क्या है आपके पास, एक स्टील फ्रेम आपको दिख रही है, ये जो आपके पास दिख रहे हैं ये आपके पास पूरा का पूरा फ्रेम है जिसके ऊपर मैं आपकी गाड़ी के अंदर जितने भी बाकी के पार्ट्स हैं कंट्रोल्स हैं वो सब इसके ऊपर में अटैच होंगे, ओके। और ये जो है आपके पास प्रेस स्टील फ्रेम है, प्रेस स्टील फ्रेम मतलब क्या हुआ कि मशीन से इनको प्रेस करके अलग अलग शेप दे करके ये फ्रेम बनाई जाती हैं। ये सिंपली ऐसा नहीं है कि ये पत्ती से बना हुआ है, इनको क्या किया है अलग अलग सेक्शंस यूज करते हैं, लाइक आपने देख रखा होगा सी टाइप सेक्शन होता है, आई सेक्शन होते हैं, इस तरह के अलग अलग सेक्शंस हम यूज करते हैं जिससे कि इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो हम लोग स्टील जो होती है उनको हम लोग प्रेस करके और अलग अलग जो क्रॉस सेक्शन है उसके हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, और हम लोग इनको उसी अरेंज में जोड़ते हैं। जितनी भी और बाकी के पार्ट्स हैं लाइक इंजन हुआ, ट्रांसमिशन सिस्टम हुआ, वो सारे हम इस फ्रेम के ऊपर में हम लोग इसको लगाते हैं। और ये जो दूसरा आपको दिख रहा है ये फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन कहलाता है। फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन का पार्ट अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिंगल यूनिट में तैयार होता है, इसका जो आपके पास ऊपर का जो फ्रेम है कार का जो फ्रेम है, फ्रेम हम बार बार इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर चादर लगी हुई होती है, ऊपर स्ट्रक्चर है, उसके अलावा जो फ्रेम है यदि हम उस चादर को हटा दें तो आपको, आपने बसों को देखा होगा कई बार रोडवेज की, तो आपको एक फ्रेम नजर आता है उसके बाद उस पर चादरें लगाई जाती हैं, तो ये बेसिकली फ्रेम है। और फ्रेम किसके साथ ही अटैच होता है, आपके पास जो बॉडी है उसके साथ ही अटैच होता है, तो वो कंबाइंड होता है। तो आप देख सकते हैं नीचे भी लिखा है द बॉडी इज डिजाइन इन सच ए वे दैट द फंक्शन ऑफ बॉडी एंड फ्रेम इज कंबाइंड एंड मैकेनिकल यूनिट्स आर डायरेक्टली अटैच टू द बॉडी, तो इसमें दोनों ही कंबाइंड होते हैं। इसमें फायदा यह है कि इसमें वाइब्रेशंस कम होते हैं क्योंकि वो सिंगल यूनिट के रूप में बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें दूसरा जो पार्ट है वो है सस्पेंशन सिस्टम। तो सस्पेंशन सिस्टम मैंने शुरू में कहा आपसे कि कई तरह के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का व्हीकल है, लोड है। तो जो फंक्शन सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला जो फंक्शन है वो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द रोड शॉक्स फ्रॉम बींग ट्रांसमिटेड टू व्हीकल। तो रोड पे जो भी शॉक्स गाड़ी में ट्रांसफर होते हैं वो शॉक्स क्यों होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और नीचे कोई पत्थर पड़ा हुआ है, तो आपका एक टायर जैसे ही पत्थर के ऊपर चलेगा तो आपकी गाड़ी एक तरफ से ऊंची होगी और देन हाई स्पीड में वो वापस से नीचे बंप करेगी, तो इसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होंगे और वो वाइब्रेशन ट्रांसफर होकर के जो अंदर ऑक्यूपेंट्स हैं, ऑक्यूपेंट्स में दोनों चीजें हो सकती हैं, पैसेंजर हो सकते हैं या गुड्स हो सकता है। पैसेंजर का मतलब है कोई भी ह्यूमन बीइंग उसमें बैठा है, ड्राइवर हो सकता है या ड्राइवर के साथ में कोई और हो सकते हैं, उसके ऊपर में वो शॉक ट्रांसफर हो सकते हैं, या फिर दूसरा जो होगा वो होगा कौन सा कि फर्स्ट वन सॉरी मैंने आपसे कहा कि पहला जो होगा वो रोड शॉक्स बम्प्स की वजह से लगे हैं, तो वो वाइब्रेशन ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर हो सकते हैं या गुड्स में ट्रांसफर हो सकते हैं। गुड्स किसको कहेंगे, मान लीजिए उसमें कोई सामान रखा है तो वो हो सकता है फ्रिजाइल हो तो वो भी टूट सकता है यदि इतने हैवी शॉक्स अंदर तक ट्रांसफर होंगे। दूसरा तरीका हो सकता है कि मान लीजिए गड्ढा आ गया फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा आपका टायर क्या होगा उस गड्ढे में जाएगा जिसकी वजह से वापस से बम्प्स आएंगे और एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो ये तरह के वाइब्रेशन जो भी आते हैं रोड पे, रोड टूटी फूटी होती है कई बार, किसी और तरह की कुछ पड़ा हुआ होता है तो इस वजह से भी रोड पे शॉक्स आते हैं, ये सारे शॉक्स को रोकने का काम या कम करने का काम सस्पेंशन सिस्टम का है। तो अलग अलग तरीके के हम सस्पेंशन सिस्टम इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरह के सस्पेंशन होते हैं। दूसरा जैसा मैंने आपको बताया कि वो किसको बचाता है, शॉक से पैसेंजर्स को बताता है। और तीसरा क्या है, आपने कई बार देखा होगा बाइक भी चलाते हैं, कई बार आपने देखा है कि जब भी कोई तरह का शॉक आता है या फिर इसी तरह का कोई गड्ढा आता है या कोई बम्प आता है तो आपका गाड़ी अनस्टेबल हो जाती है, और अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है कई बार हमारी एक्सीडेंट्स के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो हमारी जो गाड़ी है वो सही डायरेक्शन में चलती रहे इसके लिए भी हमें चाहिए कि जो अनइवन शॉक्स हैं, मान लीजिए लेफ्ट टायर पे शॉक आया है तो आपकी गाड़ी क्या होगी इम्बैलेंस होकर के लेफ्ट या राइट की तरफ में डाइवर्ट होगी, तो शॉकर्स क्या करते हैं आपके वो स्टेबिलिटी को प्रिवेंट करते हैं और पिचिंग एंड रोलिंग को मेंटेन रखते हैं, यानी जो गाड़ी आपकी पिच कर रही है और रोड पर जो रोलिंग एक्शन है टायर का उसको मेंटेन रखती है, उसकी वजह से क्या होगा आपकी स्टेबिलिटी व्हीकल की बनी रहती है।
तो मान लीजिए आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में चल रहे हैं और गड्ढा आ जाता है, तो हो सकता है आप लेफ्ट राइट वाले को टक्कर मार दें। तो आपके लिए बेटर है कि आपका सस्पेंशन सिस्टम बेटर हो, जिससे कि आपकी गाड़ी सीधी चलती रहे। सस्पेंशन सिस्टम हम बात करें तो दो तरह के हैं हमारे पास, कन्वेंशनल और इंडिपेंडेंट। कन्वेंशनल जो हम बात करते हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कन्वेंशनल टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम आपको दिखाया हुआ है, एक रिजिड आपके पास बीम दिख रही है, आपको ये बीम नजर आ रही है, ये जो हमने बात करी थी लाइव एक्सेल है या फिर डेड एक्सेल है। यदि यहाँ पर आपके पास डिफरेंशियल है तो हम मान के चलेंगे ये लाइव एक्सेल है। तो लाइव एक्सेल पर हम लोगों को गाड़ी का वेट हम डायरेक्ट एक्सेल पे नहीं डालते हैं, क्योंकि जो भी शॉक लगना है वो हम चाहते हैं कि इस लीफ स्प्रिंग के थ्रू आए। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, ये एक तरह का स्प्रिंग है, दिस इज कॉल्ड लीफ स्प्रिंग, जिसको हिंदी में हम कई बार कमानी बोलते हैं। तो ये जो लीफ स्प्रिंग है ये क्या करती है, यहाँ से और यहाँ से दो एंड है, फ्रंट एंड और रियर एंड इस स्प्रिंग का, इसके ऊपर में हमारी बॉडी टिकी रहती है और जैसे ही शॉक आता है तो ये डिफ्लेक्ट होती है, ये स्प्रिंग क्या होती है नीचे की तरफ में बैंड होती है, जिससे कि जो शॉक्स हैं जो एनर्जी है वो सारी एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, ये स्प्रिंग एब्जॉर्ब कर लेती है और ऊपर तक आपके पास जो वाइब्रेशंस है वो कम से कम पहुंचते हैं। हम ये नहीं कह सकते 100% नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये कन्वेंशनल टाइप है, जिसमें हम डायरेक्टली क्या करते हैं एक्सेल के ऊपर में इस स्प्रिंग को अटैच करते हैं और इस स्प्रिंग के ऊपर में हम बॉडी को अटैच करते हैं। इंडिपेंडेंट में हम क्या करते हैं, आप देखेंगे इंडिपेंडेंट में दोनों इंडिपेंडेंट है, यानी कि लेफ्ट का अलग है और राइट का अलग है। जब लेफ्ट पे शॉक आएगा तो सिर्फ लेफ्ट की ही स्प्रिंग डिफ्लेक्ट होगी, राइट की नहीं होगी, क्योंकि दोनों के बीच में कोई मैकेनिकल कनेक्शन डायरेक्टली नहीं है। ये एक रिजिड एक्सेल नहीं है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट एक्सेल है। तो हम जब छोटी गाड़ी की बात करें, अभी अभी हमने टू व्हील ड्राइव देखा था, छोटी कार्स की बात करी थी, तो हमने बोला था एक ही लाइव एक्सेल होता है और वो लाइव एक्सेल होता है पीछे का। तो जो फ्रंट का एक्सेल होता है वो लाइव एक्सेल ना होता हो करके और क्या होता है, इंडिपेंडेंट एक्सेल होता है वो, और उसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट ही आपके पास सस्पेंशन सिस्टम दिया हुआ होता है। तो आप देखेंगे कि फ्रंट में क्या होता है, जो दोनों टायर्स होते हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं और दोनों के लिए अलग अलग कॉइल स्प्रिंग लगी हुई होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, मान लीजिए आपकी कार का आगे का टायर, लेफ्ट वाला टायर जैसे ही शॉक पे आया या किसी गड्ढे में या बम्प पे आया, तो सिर्फ ये वाला ही टायर ऊपर होगा और वापस नीचे चला जाएगा, लेफ्ट वाले राइट वाले टायर के ऊपर में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, और जब राइट पे आएगा तो लेफ्ट पे नहीं आएगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन इंडिपेंडेंट एंड कन्वेंशनल। जबकि अभी मैं आपको वापस एक बार कन्वेंशनल दिखा देता हूँ। कन्वेंशनल में ये एक रिजिड एक्सेल है, मान लीजिए लेफ्ट पर बम्प आया तो ये डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा और ये कम होगा, होगा दोनों में, ठीक है। तो ट्रक्स के केसेस की हम बात करें तो ट्रक में क्या होता है, इस तरीके के ही सारे सस्पेंशन होते हैं, उसमें इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन कार्स के अंदर में क्या होता है, हम लोग आगे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम दे देते हैं और पीछे हम लोग चाहें तो उसके अंदर में हम लोग लीफ स्प्रिंग जो हमने अभी देखी, ये लीफ स्प्रिंग हम रेयर में लगा सकते हैं। तो कार के अंदर में रेयर में हम लीफ स्प्रिंग लगा सकते हैं और फ्रंट में हम लोग कॉइल स्प्रिंग लगा सकते हैं, दिस इज कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। सो हम अब आगे चलते हैं, दिस इज अबाउट फ्रंट एंड रेयर सस्पेंशन सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेल्स की। एक्सेल अभी हमने बात करी, एक्सेल दो होते हैं, फ्रंट और रेयर एक्सेल, ठीक है। उनका काम क्या है कि वो फ्रेम को कनेक्ट करते हैं और फ्रेम से किसको कनेक्ट करते हैं, आपके दोनों टायर्स को जो पीछे हैं, व्हील को कनेक्ट करते हैं और व्हील के ऊपर टायर रहते हैं उनको वो कनेक्ट करते हैं। तो ये काम होता है एक्सेल का। तो अभी हमने पढ़ा दो तरह की लाइव पढ़ी एक्सेल, एक लाइव एक्सेल और डेड एक्सेल। लाइव एक्सेल अभी हमने बताया जो कि लगातार घूमती है व्हील के साथ में, और डेड एक्सेल वो होती है जिसमें दोनों जो टायर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली रोटेट होते हैं, उनके बीच में डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो लाइव एक्सेल वो हो गया जिसमें ट्रांसमिशन आया और वो आकर के क्या हो रहा है, डिफरेंशियल के थ्रू दोनों टायर्स पे बराबर डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ आवर लाइव एक्सेल वर्क। डेड एक्सेल में क्या होता है, आपके पास डेड एक्सेल में इस तरीके का ट्रांसमिशन दोनों पे नहीं होता है, ठीक है। जस्ट कनेक्ट व्हील्स टू द फ्रेम बट डज नॉट ट्रांसमिट एनी पावर। तो आपका क्या होता है, उसमें कोई पावर ट्रांसमिशन नहीं होता है। आपने देखा होगा कई बार हम लोग लाइक एक डंडी लेते थे पहले और उसके ऊपर दो व्हील लगा देते थे और हम उसको चलाते थे एक तरह से गाड़ी बना करके। तो वो एक्सेल जो है, वो एक्सेल क्या कर रही है, वो सिर्फ व्हील्स को रोटेट कर रही है, उसमें किसी तरह का पावर ट्रांसमिशन नहीं है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, डेड एक्सेल बोलेंगे। और यदि हम चाहें और हम बोलें कि ये एक्सेल हम लोग इंडिपेंडेंट टाइप कर दें, दोनों के अलग अलग कर दें, दोनों व्हील्स में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों व्हील्स इंडिपेंडेंटली घूम रहे हैं, तो भी हम उसको डेड एक्सेल बोलेंगे। तो लाइव एक्सेल
के अंदर में ट्रांसमिशन आना जरूरी है और उसका रेगुलरली घूमना जरूरी है व्हील्स के साथ में, दैट इज अवर लाइव एक्सेल। अब हम बात करते हैं जो हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे उसमें व्हील्स की। तो व्हील्स क्या होते हैं बेसिकली, आपने सबने देखा होगा रबर के बने होते हैं अपने पास व्हील एंड टायर्स, तो ये क्या करते हैं, ये भी कुछ हद तक शॉक्स को एब्जॉर्ब करते हैं और ये बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि पूरी गाड़ी का लोड इन्हीं के ऊपर आता है, ठीक है। और इनके अंदर में हम डिपेंड करता है कि कितने लोड के लिए व्हील को डिजाइन कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम अलग अलग व्हील एंड टायर्स को चुनते हैं कि हमारे गाड़ी में कौन सा टायर और व्हील लगेगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा, यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो हम लोग यदि मारुति की बात करते हैं या फिर महिंद्रा की बात करते हैं या फिर टाटा सफारी की बात करते हैं, तो इनमें व्हील का साइज होता है। तो व्हील साइज लाइक 14 इंच होता है, 15 इंच होता है, 17 इंच होता है। तो जैसे जैसे आप इंचेस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, व्हील्स बड़े होते जा रहे हैं, डायमीटर बड़ा होता जा रहा है और नीचे से गाड़ी जो है वो ऊपर उठती जा रही है। जमीन से उसका जो क्लियरेंस है यानी कि नीचे की जो बॉडी है और जो जमीन है उसके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली इन दैट केस जब भी हमारी गाड़ी बैड रोड कंडीशंस पे चले या फिर ऑफ रोड कंडीशंस पे चले। मान लीजिए आपकी गाड़ी है और वो गांव में चल रही है, तो आपको चाहिए कि आपकी गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस हो वो ज्यादा हो, बड़ा हो, लाइक 160 mm है, किसी का 170 mm है, किसी का 180 mm है। तो मान के चलिए कि हम यदि ऑफ रोड की बात करें, यदि आपको गाड़ी कहीं पर भी ऑफ रोड उतारनी है, तो आपको उसके लिए कम से कम मिनिमम से मिनिमम 160-170 mm क्लियरेंस चाहिए। यानी आप गाड़ी सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है और वो डिपेंड करेगा आपके व्हील साइज पर, राइट। तो दिस इज हाउ अवर व्हील साइज वेरीज। तो आप मान लीजिए होंडा सिटी ले लें और किसी गाँव में चले जाएं, तो वो कहीं ना कहीं टच होती रहेगी, क्यों, क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, ठीक है। यदि आप लंबोगिनी की बात करें तो उसके लिए ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, यानी हम कह सकते हैं कि हम अपनी नॉर्मल रोड पे भी नहीं चला सकते इंडिया में उसको, क्योंकि हमारे नॉर्मल रोड्स भी इतनी परफेक्ट नहीं है जितनी कि कम ग्राउंड क्लियरेंस उसमें है। तो ग्राउंड क्लियरेंस कम रखने से भी फायदे होते हैं, ऐसा नहीं है कि इस तरह से ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने से ही फायदा है। जितनी ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा, गाड़ी जितनी ग्राउंड के नजदीक रहेगी, उतना ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी गाड़ी का नीचे रहेगा और बैलेंस गाड़ी का उतना ही अच्छा रहेगा। तो आप देखेंगे जितनी भी रेसिंग कार्स आती हैं उनका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। जितनी भी हाई स्पीड व्हीकल्स होते हैं उनके सभी के हम क्या करते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम रखते हैं, सो दैट स्टेबिलिटी कैन बी मेंटेन, ठीक है। और जितने भी हम अभी बात कर रहे हैं SUVs की बात कर रहे हैं, माउंटेन बाइक्स की बात कर रहे हैं, या फिर सरपंच साहब कोई बनते हैं तो वो बुलेरो खरीदते हैं, क्यों, क्योंकि उनके ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अधिक होते हैं। तो ये हमारे को ज़रूरी होता है जब भी हम व्हील्स को चूज करते हैं, ओके। तो यदि व्हील नहीं लग रहे गाड़ी में तो आप उसको खींच के भी नहीं ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, यदि आपके पास व्हील नहीं है, टायर नहीं है, तो आप गाड़ी को खींच के भी नहीं ले जा सकते हैं कहीं पर, एक जगह से दूसरी जगह। उसके लिए भी आपको भले ही पंचर टायर हो वो भी आपको लगाने पड़ते हैं, ठीक है। और व्हील का पर्पस क्या है, पूरा जो लोड है, पूरी ऑटोमोबाइल का लोड है वो किसके ऊपर आ जाता है, पूरा व्हील्स के ऊपर में आ जाता है। तो हमारे को व्हील उसी हिसाब से डिजाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। कितनी तरह के व्हील्स होते हैं वो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे जो जनरली यूज होता है वो होता है डिस्क व्हील। आपने देखा होगा इस तरीके का व्हील आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा ट्रक्स के केसेस में। तो ये डिस्क व्हील है, इसमें क्या होता है, मेटल पार्ट ज्यादा होता है इसमें। आप देखेंगे कि मेटलिक पोर्शन बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये हैवी होते हैं और स्ट्रेंथ इनकी ज्यादा होती है, मतलब ये ज्यादा लोड ले सकते हैं। प्लस जो रोड पे शॉक्स आते हैं, वाइब्रेशंस आते हैं, उनको ये ज्यादा बियर कर सकते हैं, ये इजीली उस चीज को ले सकते हैं। दूसरा टाइप का होता है वायर व्हील, जिसमें हम बोलते हैं स्पोक्स भी बोलते हैं, जैसे साइकिल का आपने देखा होगा उसमें वायर्स लगे रहते हैं, स्पोक्स लगे रहते हैं और उसके चारों तरफ में एक फ्रेम होता है। तो ये जो व्हील होता है ये क्या होता है, कम लोड के लिए बनाया जाता है कि इसमें ज्यादा लोड हम नहीं दे सकते हैं, तो हम टू व्हीलर्स में या फिर बहुत लाइट वेट जो व्हीकल्स पहले डिजाइन होते थे, आपने कार्स देखी होंगी पुराने जमाने की, उनमें इस तरह के व्हील्स यूज हुआ करते थे। इसका फायदा क्या है कि ये बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, इनमें हीट जो होता है वो बहुत जल्दी से डिसिपेट हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत एयर का जो है वो पासिंग बहुत ईजिली होता है, जबकि आप देखेंगे डिस्क व्हील है इसमें एयर इतनी ईजिली पास नहीं हो सकती है। हालांकि इसको एयर को पास कराने के लिए हमने ये छेद बना रखे हैं, ये अलग अलग फ्रेम में ये जो व्हील है इसमें हमने छेद बना रखे हैं, इससे क्या होता है क्रॉस वेंटिलेशन इजी हो जाता है। हम चाहते तो इसको वन फ्रेम में भी बना सकते थे, पूरा सॉलिड बना सकते थे, लेकिन उससे क्या होता है कि आपकी जो जब ये गर्म होगा चलते वक्त
तो ये गर्म जो होगा हीट डेसिपेशन होगी वो बहुत स्लो होगी, तो इसीलिए हमने इसमें क्या कर रखे हैं, इस तरह के सर्कल बना करके छेद कर दिए हैं जिससे कि हवा आर पार निकल सके। दूसरा, इसका वजन थोड़ा कम हो सके, लाइट वेट हो सके, लेकिन आप देख सकते हैं उसके कंपेरिजन में स्पोक्स व्हील जो है या वायर्ड व्हील है वो बहुत ही ज्यादा वेंटिलेटेड है, तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और लॉन्ग रन में ये काफी काम आ सकता है और इफिशियंसी बढ़ाता है। क्योंकि देखिए, गाड़ी की इफिशियंसी अपने आप बढ़ेगी जब उसका लोड कम होगा, तो यदि आप गाड़ी में ये वाला व्हील लगा रखा है तो ऑटोमेटिकली लोड कम हो गया गाड़ी का तो माइलेज बढ़ेगी, लोड ज्यादा होगा तो माइलेज कम होगी। थर्ड जो टाइप है वो है एलॉय व्हील। तो क्या हुआ, इन दोनों में एक फायदा था एक नुकसान था, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो हमने जो थर्ड टाइप का व्हील बनाया वो था एलॉय व्हील। तो एलॉय व्हील में हमको फायदा क्या हुआ कि हमारे पास मेटल पोर्शन इतना कम भी नहीं है जितना स्पोक्स में था, इसमें सफिशियंट हमने रिप्स बनाई हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है हमको, लेकिन स्ट्रेंथ मिलने के साथ ही साथ इसका वजन नहीं बढ़ जाए, इसीलिए हमने मटेरियल स्टेनलेस स्टील यूज ना करके हमने एलॉय यूज किया है। एलॉय कैन बी एल्यूमिनियम एलॉय हो सकता है या और भी कई तरह के एलॉय हैं जो लाइट वेट होते हैं, तो इससे आपका ओवरऑल जो वेट है वो व्हील का काफी कम हो गया। तो हमारे पास दोनों ऊपर वाले व्हील्स का फायदा हमारे को एलॉय व्हील में मिल गया। और आप देखेंगे अब जो गाड़ियां आती हैं मेनली वो सभी गाड़ियों में आपको एलॉय व्हील का ऑप्शन मिलने लगा है, हालांकि एलॉय व्हील थोड़ा महंगा होता है, तो लेकिन इससे लगाने से आपको क्या फायदा है कि हीट आपके पास आराम से डिसिपेट होती है, लाइफ बढ़ जाती है, प्लस आपके पास गाड़ी का वेट ओवरऑल कम हो जाता है, तो ओवरऑल वेट कम होते ही आपके पास क्या होता है, इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमारे पास तीन तरह के व्हील्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और ये पूरा समरी है जो अभी हमने पढ़ा, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चार चीजों में बटा हुआ है, फ्रेम, सस्पेंशन सिस्टम, एक्सेल और व्हील। फ्रेम में हमने बात करी कन्वेंशनल फ्रेम और फ्रेमलेस, सस्पेंशन की हमने बात करी कन्वेंशनल और इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम, एक्सेल हमने बात करी लाइव एक्सेल, डेड एक्सेल, और व्हील की हमने बात करी है डिस्क व्हील, वायर व्हील और अलॉय व्हील। सो दीज आर दी डिफरेंट सेक्शंस।